you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. कांग्रेस के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहाँ चिर परिचित अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। पहली बात, अभी तक वो भारत की संस्थानों, लोकतंत्र और तमाम चीज़ों के ऊपर प्रश्न उठाते थे। अब पहली बार वो सरकार के संस्थानों के साथ भगवान को भी घसीट लाए थे। दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले सैन फ्रांसिस्को में बोली, फिर वाशिंगटन में बोली, प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए, और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में विपक्ष के द्वारा बहुत विषय उठाए जाने के ऊपर उन्होंने उसको पीछे किया था। तो ये सेकुलरिज्म था। बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। वो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफ़ी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? दूसरा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है, और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहाँ हो जाता है।